दोस्तों, आज हम बात करेंगे जी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, और देखते हैं कि इरेशनल नंबर्स को डेसिमली किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हमने देखा था जी कि लेट से हमारे पास वो नंबर्स हैं, जैसे हमारे पास अंडर रूट टू है, ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक पाई बहुत एक फेमस जो है वो नंबर है, ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक्सपोनेंशियल की वैल्यू है, ठीक है, और इसी तरह हमारे पास और अंडर रूट फाइव है, ये तमाम वो नंबर जो कि अंडर रूट में है और परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, जैसे अंडर रूट फाइव। ठीक है, अब अगर हम इन नंबर्स को सॉल्व करें, ठीक है, इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास टू, अगर हम टू को अंडर रूट लेते हैं तो अगर आप देखें हमारे पास जो इसका आंसर है वो क्या है, 1.414213, ठीक है, एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट टू इज इक्वल टू 1.414235, 1.414325 एंड सो ऑन। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है जी, अंडर रूट टू के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह अगर आप पाई पाई जो कि बेसिकली आपके पास कांस्टेंट है, 22/7 इसकी वैल्यू है, ठीक है, अगर आप 22/7 को डिवाइड करते हैं तो आप ये देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आएगा, 22/7, ठीक है, अब हमारे पास इसके अंदर जो आंसर आ रहा है वो है 3.1425, 3.1425, और ये आगे कंटिन्यूड है, अगर आप देखें यहाँ पे तो कंटिन्यूस आगे ये मूव करता जा रहा है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक्सपोनेंशियल की वैल्यू है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जो कि है हमारे पास 2.7182821828 4 6 एंड सो ऑन। अब हम बोल रहे हैं कि ये तमाम वो नंबर्स हैं जो कि क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं जी नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग, हमने जैसे अगर आप पिछले लेक्चर के साथ इसको रेफर करें तो नॉन रिकरिंग से क्या मुराद होगी कि ऐसे डेसिमल के बाद वो डिजिट्स जो कि इन्फिनिटली मूव करते जाएं, यानी कंटिन्यूसली आगे मूव करते जाएं इन्फिनिट तक, और उनके दरमियान कोई भी ऑर्डर जो है किसी तरतीब के अंदर रिपीट ना हो। ठीक है, जैसे अगर आप देखें 1.414325 एंड सो ऑन। अब अगर लेट्स से मैं इस नंबर को मैं कहता हूँ जी, फिर हम ये डिफाइन इस तरह से भी करते हैं कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, के नंबर, ठीक है, हम इनको डिफाइन करते हैं जी इरेशनल नंबर्स, ठीक है, सॉरी इरेशनल नंबर्स कौन से जी, एक्स सच दैट एक्स इज डज नॉट बिलोंग टू पी बाई क्यू, ठीक है, यानी पी बाई क्यू, ठीक है, पी बाई क्यू से बिलोंग नहीं करता, आगे वही कंडीशन है, एंड एक पी एंड क्यू बिलोंग टू इंटीजर्स। ठीक है, इस तरह से हम रैशनल इरेशनल नंबर्स को डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं जी के एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू पी बाई क्यू, ठीक है, या अगर आप इसको बिलोंग टू की जगह हम सिंबल कौन सा यूज करते हैं, नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू फ्रैक्शन। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हम इस चीज को देखते हैं कि अगर हम इस चीज को मैं पी बाई क्यू फॉर्म के अंदर लिखना चाहूँ तो क्या किस तरह से मैं ये पी बाई क्यू फॉर्म के अंदर क्यों नहीं लिखा जा सकता, अगर यहाँ पे मैं इसका पॉइंट कैंसिल आउट करूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे वन पुट करना पड़ेगा नीचे डिनोमिनेटर में, आगे मैं जीरो पुट करूंगा, 1 2 3 4 5। अब जो नोन मेरे पास जो आपको डिजिट हमने यहाँ पे लिखे हैं वो तो फाइव है, लेकिन हमने बोला जी ये कंटिन्यूसली मूव करते जा रहे हैं, इसका मतलब है कि डिजिट भी आगे मूव करते जाएंगे, तो ये तो इन्फिनिटी तक मूव करते जा रही है, ये भी इन्फिनिटी तक है, ये भी इन्फिनिटी तक है। ठीक है, अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि हम इनको सॉल्व करके इनका कहाँ तक ये नंबर जाएंगे, और हम इनको जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कॉमन डिवाइजर वन किस तरह से आएगा, ये चीज़ें जो हैं इस इन नंबर्स के अंदर एबसेंट है, यानी इनका हम इनको हम कैंसिल आउट नहीं कर, इनको हम जो है पी बाई क्यू फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते। ठीक है, और ना हम इनका जो कॉमन डिवाइजर है वो वन कर सकते हैं, लिहाजा हम इन नंबर्स को बोलते हैं क्या है, जो है इरेशनल नंबर्स हैं जो इक्वल नहीं है पी बाई क्यू के। इसी तरह अगर आप 22/7 को, जो बाहर तो आपको नज़र आ रहा है हमने 22/7 लिख दिया, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इन्फिनिटी तक मूव करता है, अब अगर मैं दोबारा इसको इस फॉर्म के अंदर लेके आना चाहूँ तो मैं इसको रिटर्न वापस फॉर्म में नहीं लेके आ सकता, अगर मैं 3.1 और इसी तरह यहाँ से पॉइंट कैंसिल करके वन पुट करूँ एंड देन 0 0 0 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू है ये भी एक जो है वो इरेशनल नंबर है, तो लिहाजा यहाँ पे प्रूफ हुआ कि वो नंबर जो कि पी बाई क्यू फॉर्म के अंदर नहीं लिखे जा सकते, ठीक है, या आप यूँ समझें कि उनका हम कॉमन डिवाइजर वन नहीं लेके आ सकते, तो वो तमाम के तमाम कौन से नंबर हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, वो तमाम के तमाम जो डेसिमल फॉर्म्स होंगी वो क्या कहलाएंगी, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो लिहाजा वो तमाम नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वेयर के अंदर नहीं है, और जब उनका अंडर रूट करते हैं, जैसे अंडर रूट फाइव, अंडर रूट सिक्स, अंडर रूट सेवन, अंडर रूट एट, अंडर रूट नाइन नहीं होगा, बिकॉज अंडर रूट नाइन जो है वो परफेक्ट स्क्वेयर है, अगर आप इसका अंडर रूट करते हैं हमारे पास जो है आंसर जो है वो
प्लस माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस 3 हमारे पास आंसर होगा। तो लिहाजा हम ये बात कर रहे हैं जी कि डेसिमल फॉर्म के अंदर वो नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, यानी उनका जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट करते जाए, जो है कंटिन्यूसली मूव करेंगे, और उनके ऑर्डर में या उनकी रिपीटेशन उनके अंदर कोई रिपीटेशन नहीं होगी, 1 2 3 डिजिट किसी ऑर्डर के अंदर रिपीट नहीं करेंगे, वो कहलाएंगे हमारे नॉन, जो है वो नॉन रिकरिंग, और जिनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। लिहाजा प्रूव हुआ कि नॉन रिकरिंग तमाम के तमाम जो नंबर्स हैं वो इरेशनल होते हैं, और रिकरिंग जो है वो रैशनल होते हैं।